तो सवाल उठ रहे हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए, डालते हैं उस पर नजर। तो गाइस भारतीय टीम के ओपनर शुभमन गिल पे सवाल उठने लग गए हैं, क्योंकि उनकी ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद रन नहीं निकले, इंग्लैंड टेस्ट सीरीज भी हो गई और WTC फाइनल में भी उनका बल्ला इतना अच्छे से नहीं चला। तो भारतीय टीम सोच रही है कि उनकी रिप्लेसमेंट में देखे KL राहुल को। तो गाइस अब बात करते हैं रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा एज अ ओपनर काफी अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं, लगभग हर इनिंग में अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं टीम इंडिया को, तो उन पे तो कोई सवाल नहीं है। नंबर 3 चेतेश्वर पुजारा, जिन पे अब सवाल उठने लग गए हैं क्योंकि उनके बल्ले से रन निकल नहीं रहे हैं। पिछली 30 इनिंग्स में उनके बैट से शतक नहीं निकला है, तो ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि टीम इंडिया शायद उनका रिप्लेसमेंट देख सकती है और उनकी जगह कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर कोई टीम में शामिल करना चाहती है और विराट कोहली को नंबर 3 पे पुश कर देगी। पर ऐसा तो विराट कोहली के साथ भी हो रहा है। विराट कोहली ने भी पिछले लगभग 2 साल से उनके बैट से रन तो निकल रहे हैं पर बल्ले से शतक नहीं निकल रहा है। तो मेरे हिसाब से जैसे सवाल चेतेश्वर पुजारा पे उठ रहे हैं, विराट कोहली पे भी उठने चाहिए। अगर विराट कोहली पे सवाल नहीं उठ रहे हैं तो फिर चेतेश्वर पुजारा पे भी सवाल नहीं उठने चाहिए। नंबर 5 अजिंक्य रहाणे पे बात करते हैं। अजिंक्य रहाणे लगभग रन बना ही देते हैं, अच्छा एक मैच को पकड़ के रखते हैं जब भी बैटिंग करने आते हैं, तो वो तो अपना अच्छा काम कर रहे हैं। नंबर 6 पे आते हैं ऋषभ पंत, जो कि अपना बैट से रन निकाल ही देते हैं बड़े बड़े शॉट मार के। नंबर 7 पे आते हैं रविंद्र जडेजा, जो कि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर ही रहे हैं। नंबर 8 रविचंद्रन अश्विन, जो कि लगातार विकेट ले रहे हैं। पर अब फास्ट बॉलिंग के ऊपर सवाल उठने लग गए हैं क्योंकि इंग्लैंड में जसप्रीत बुमराह पर भी खासकर सवाल उठने लग गए हैं क्योंकि उनके वो विकेट नहीं ले पा रहे हैं। तो शायद उनका भी ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि रिप्लेसमेंट देख रही होगी इंडिया, उनको थोड़ा आराम दे सकती है इंडिया और मोहम्मद सिराज को टीम में वापस लेके आ सकती है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब कर देना, दबा देना घंटी बटन को लेटेस्ट अपडेट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।